हेलो गाइस, आजकल पढ़े लिखे लोग हैं, सभी पढ़ सकते हैं। जो इस स्क्रीन पे जो चीज़ चल रही है उसको पढ़ो और माइंड लाओ। मैं ये चीज़ें बोल नहीं सकता, इसलिए कि मैं एक कामा सूत्र के बारे में जो है आपको बताने जा रहा हूँ, आप इसे पढ़ सकते हैं। बाकी डिटेल से मैं इस वीडियो के बाद आपको बताऊँगा कि ये है क्या क्या नहीं है। बट आई एम टेलिंग अबाउट लव, व्हाट इज लव। लव क्या है? मैं आपको प्रॉपरली बताऊंगा कि व्हाट इज़ ए लव, कि कैसे रहना है, कैसे सहना है। व्हाट इज़ ए कामसूत्रा, व्हाट इज़ ए फलाना ढिमका, दैट इज़। हेलो गाइस, नमस्कार। आई एम टेलिंग अबाउट लव, व्हाट इज़ ए लव। लव के बारे में आज हम बात करेंगे कि लव है क्या चीज़ है। लव एक ऐसी चीज़ है जो कुटुंब, परिवार, भाई बहन, हर चीज़ को एक जोड़ती है। प्यार वो चीज़ है जो कि इंसान से इंसान को जो है मिलाती है, प्यार से बात कराती है। अगर हर आदमी में नफरत की दौड़ हो या नफरत भरी हो, तो एक दूसरे से कोई भी बात करके राजी नहीं रहेगा, क्योंकि प्यार ही एक ऐसी चीज़ है जो हर जीव को हर तरह से उनको एकता के सूत्र में बांधती है। बट प्यार ही वो चीज़ है जो मम्मी, पापा, डैड सबको एक सूत्र में बांधती है, परिवार चलता है। नफरत से कोई रहेगा तो नफरत से कोई प्यार नहीं कर पाएगा। दोस्तों, मेरा नाम महेंद्र कुमार है। आज हम बात करेंगे लव, व्हाट इज लव। पूरी डिटेल्स में आपको लव के बारे में दूंगा कि लव है क्या। जो एक माता अपने छोटे बच्चे शिशु को खिलाती है, वो प्यार से दुलारती है, उसको दूध पिलाती है, उसको लव नहीं बोलते। क्या आप बता सकते हैं उसे क्या बोला जाएगा? जो छोटे बच्चे को प्यार से, जो शिशु होता है उसे, जो है उसकी माता उसे प्यार से खिलाती है, दुलारती है, उसे क्या बोलते हैं? लव तो उसे बोल नहीं सकते, प्यार उसे बोल नहीं सकते, उसको बोलते हैं स्नेह। माता और बच्चे के बीच में स्नेह होता है, जो लव और प्यार से बहुत बड़ा होता है। क्योंकि सबसे ज़्यादा माता है बच्चों को स्नेह करती है, स्नेह। और माता जब तक वो बच्चा बड़ा हो जाता है, तब भी वो ममता भरी मई से उसे स्नेह करती रहती है। तो ये होती है स्नेह, प्रेम, भाई, बंधु, कुटुंब, परिवार, इन सब पे जो है एंगेज होता है, जो जोड़ती है। हम आपके लिए एक ऐसी संस्था, ऐसी चीज लेके आए हैं जो आपको एक कुटुंब परिवार में कैसे रहना है, कैसे सहना है, सब कुछ आपको हमें इस बुक के जरिए बताएंगे। हम आपको एक ऐसी बुक प्रोवाइड करवा रहे हैं जिससे कि आप वो रह जाएंगे कि तंग रह जाएंगे कि यार वाह। ये देखिए, पूरी मैं डिटेल्स दे रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलेंगे।